16 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग की गई आयोजित। जी हाँ, बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 को निर्धारित प्रक्रिया सकुशल एवं सही ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रत्येक स्तर पर सतर्कता, सजगता एवं निर्धारित समय सारिणी का पालन किए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में समस्त पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों, ADM, समस्त SDM, अपर पुलिस अधीक्षक नगर ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारीगढ़, सिटी मजिस्ट्रेट, LIU निरीक्षक संघ कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में कल दिनांक 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाली परीक्षा के संबंध में संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही अभ्यर्थियों के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, प्रमुख चौराहों से परीक्षा केंद्र तक आने जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जनपद फिरोजाबाद में 17 और 18 को पुलिस भर्ती परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें कि हमारे 27 स्कूल्स में ये एग्जाम होना है और एक पाली में लगभग 11,500 परीक्षार्थी उसमें भाग लेंगे। 27 जो हमारे केंद्र है वहाँ पे सभी केंद्रों में एक एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाया जा रहा है। इसके अलावा 12 हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं और जो SDM और COs हैं वो जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस ऑफिसर के रूप में काम करेंगे। सभी जगह पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कराए जाएंगे। सभी छात्रों को भी ये मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करता हूँ कि कोई भी अनफेयर मीन्स ना अपनाएं, नहीं तो जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और जितने भी हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, इसके बारे में आज मीटिंग की गई थी केंद्र व्यवस्थापकों के साथ और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स के साथ, और उनको बताया गया है कि बिल्कुल निष्पक्षता से और शांतिपूर्ण और अनफेयर मीन्स को अवॉइड करते हुए हम लोगों को ये एग्जाम्स अच्छे से करना है, सुचितापूर्ण एग्जाम कराने।